अब खबरें विस्तार से। निर्भया केस में 22 जनवरी को आरोपियों को फांसी दिए जाने के फैसले को लेकर राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा एवं पूर्व विधायक अनीता वर्मा ने जहां फांसी के निर्णय पर खुशी जताई है, तो साथ ही वर्तमान सरकार पर निर्भया फंड को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाने पर रोष जताया है। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि निर्भया मामले में फांसी को लेकर देरी हुई है और मांग की है कि सरकार को फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर ऐसे मामलों को जल्द सुनवाई करनी चाहिए ताकि ऐसे मामलों में कोई देरी ना हो। निर्भया केस में 22 जनवरी को आरोपियों को फांसी दिए जाने के फैसले को लेकर राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा एवं पूर्व विधायक अनीता वर्मा ने जहां फांसी के निर्णय पर खुशी जताई, तो साथ ही वर्तमान सरकार पर निर्भया फंड को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाने पर रोष जताया। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि निर्भया मामले में फांसी के फैसले को देरी हुई है और मांग की है कि सरकार को फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर ऐसे मामलों की जल्द सुनवाई करनी चाहिए ताकि ऐसे मामलों में देरी ना हो सके। हमीरपुर में महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा एवं पूर्व विधायक अनीता वर्मा ने निर्भया केस के लिए लिए गए आरोपियों को फांसी दिए जाने के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि निर्भया केस के बाद हुए बलात्कार केसों के आरोपियों के खिलाफ भी सख्त निर्णय लिए जाने चाहिए। वहीं अनीता वर्मा ने इस निर्णय को लेकर 7 साल लगाए जाने पर भी खेद व्यक्त किया है। उन्होंने अफसोस व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में निर्भया फंड बनाया था, जिस पर वर्तमान सरकार ने ना कोई काम किया है और ना ही कोई प्रगति की है। मुझे बहुत खुशी हुई कि जो निर्णय लिया गया है कि 22 तारीख को इनको फांसी दी जाएगी और ये अंतिम निर्णय है, पर एक अफसोस बहुत हुआ मुझे कि 7 साल लग गए एक इतना बड़ा केस जिसमें कि पूरे हिंदुस्तान की जनता सड़कों पर आ गई थी, तब जाके हमारा जो कानून है उसने ये लागू किया। तो आप सोच सकते हो कि जो दूसरे हमारे अपराधी हैं जिन्होंने इतने बलात्कार किए हैं इतने सालों में निर्भया केस के बाद, उनको भी अभी तक कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है कानूनी तौर पर। कांग्रेस सरकार जब यूपीए सरकार थी उस टाइम उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, महिलाओं के लिए पुलिस के थाने और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई बड़े बड़े प्रोग्राम रखे थे, जिसमें एक निर्भय फंड भी रखा था जिसके तहत कहीं भी महिलाओं को कोई मुश्किल हो तो उस फंड को इस्तेमाल कर वो सुरक्षा वहाँ पर महिलाओं को दे सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि इसके ऊपर आगे जो सरकार आई है उसने कोई ना काम किया ना कोई उसको आगे बढ़ाकर उसमें कोई प्रगति लाए। और ये जो एक निर्णय अब हुआ है इससे अब कई लोग डरेंगे, वो ऐसा कार्य करने से 10 बार सोचेंगे। और मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी जो ऐसे केस हैं जैसे गुड़िया कांड है हमारा हिमाचल का और कई ऐसे केस जो हैं पूरे हिंदुस्तान में, उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए ताकि जो ऐसे लोग हैं वो डर और भय में रहें और हमारी महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित रहें। बही सीटू के राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि बलात्कार के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने चाहिए और 6 माह के भीतर आरोपियों को सजा होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आज के समय में देश के कई कोनों से मामले सामने आ रहे हैं, अधिकतर मामलों में बीजेपी के नेता फंसे हुए हैं, जिन पर भी जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए और दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। वैसे देर से हो रहा है, हमेशा समझते हैं बच्चियों के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं चाहे वो निर्भया के साथ हो चाहे और जगह हो, वो सारे फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने चाहिए और 6 महीने के अंदर उनमें सजा होनी चाहिए। और मजे की बात क्या है, आज हमारी सरकार कह रही है कि जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और देशों में जो बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं उन लोगों को यहाँ पर नागरिकता देनी है, पर यहाँ पर जो बलात्कार हो रहे हैं उसमें तो दर्जनों बीजेपी के नेता हैं। कुलदीप सेंगर को सजा होगी, कठुआ कांड में सारे लोग बीजेपी के हैं, हमीरपुर में नेपाली बच्ची के साथ जो लोग शामिल हैं उसे बीजेपी का कार्यकर्ता है। ये सारे के सारे लोग जो है ये ध्यान भटकाने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जहां इस तरह के मामले हैं, बलात्कार के मामले हैं, उन मामलों में हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने चाहिए और 6 महीने के अंदर जो है वो सजा होनी चाहिए।